भोपाल के बरेसिया बस स्टैंड को आरिफ नगर में शिफ्ट करने का विरोध शुरू हो गया है। बस ऑपरेटर्स ने विरोध करते हुए कहा कि आरिफ नगर बस स्टैंड को पहले बनाया जाए। ऑपरेटर्स के विरोध को देखते हुए आरटीओ संजय तिवारी बस स्टैंड पहुंचे और बस संचालकों से बात की। नगर निगम की वादा खिलाफी से नाराज भोपाल बस ऑनर्स एसोसिएशन आंदोलन करने की मूड में नजर आ रहा है। नगर निगम बेरसिया बस स्टैंड को आरिफ नगर में शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गया है। बस स्टैंड पर निगम शॉपिंग मॉल खोलने जा रहा है और उसने काम भी शुरू कर दिया है, जिसका बस ऑपरेटर्स ने विरोध किया है। उनका कहना है कि निगम पहले आरिफ नगर को डेवलप करे, उसके बाद शिफ्ट करे। बस ऑनर के विरोध के चलते आरटीओ संजय तिवारी बेरसिया बस स्टैंड पहुंचे और उन्होंने बस ऑपरेटर्स से बात की। इधर बस संचालकों का कहना है कि उनको आरिफ नगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां वर्तमान में कोई सुविधा नहीं है। पहले नगर निगम डेवलप करे, उसके बाद शिफ्टिंग करे। मैं रूपेंद्र सिंह हूं, भोपाल बेरसिया बस ऑपरेटर एसोसिएशन का सचिव हूं और हमारा पुतली घर बस स्टैंड से करीब 125 बसेस रोज रन करती हैं, जिसमें 15,000 यात्री उतरते बैठते हैं पर डे। और वहाँ पे हमारे को बस स्टैंड की व्यवस्था दी हुई थी और उस बस स्टैंड की हालत भी भोपाल के सभी लोगों ने देखी हुई है, सबसे खस्ता हालत में है। और जब कोई किसी को दिखाया जाए कि स्मार्ट सिटी का ऐसा बस स्टैंड है, वो अलग प्रतीत होता। अब वहाँ पे नगर निगम ये चाहती है कि वहाँ पे शॉपिंग मॉल बना दिया जाए और बाकी सब कंस्ट्रक्शन कर दिए जाए। और मीनवाइल यहाँ पे ये आप जगह की हालत देख रहे हैं, ये पीछे नाले वाले आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे हमें शिफ्ट करने का और वहाँ पे उन्होंने काम चालू कर दिया। इसके लिए हम लोग मुतमईन नहीं है, हमने स्पष्ट कह दिया कि जिस दिन आप, उनका ये कहना हमारा आपका बस स्टैंड यहाँ बन जाए, हमने कहा जिस दिन आप बन जाए हमें आने में दिक्कत नहीं है, पर पहले आप हमें बस स्टैंड बना के दीजिए, उसके बाद हमें वहाँ से शिफ्ट। आरटीओ संजय तिवारी भी आए हुए थे, हमने उनके सामने भी स्पष्ट बोला कि आरटीओ साहब खड़े हैं, हम आपको 50 लाख से ऊपर का पर मंथ का रेवेन्यू सरकार को देते हैं, इसके बावजूद हमारे साथ ये बदइंतजामी क्यों हो रही है। और फिर उन पैसेंजर्स जिनसे हम ये कलेक्शन करते हैं, एक शेड लगा के वॉल बनाई, वो इन्हीं लोगों ने बना रखा है। और फुल इस मामले में मतलब शासन अपनी ही धका रहा है, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर नाम? हाँ, मैं एन के डेहरिया, यहाँ डिप्टी सिटी इंजीनियर हूँ। सर, काफ़ी लोग एकत्रित थे बेरसिया बस स्टैंड को लेकर के, वहाँ पर नगर निगम का काम शुरू होने वाला है। पुतली घर में जो है 9 करोड़ से बस स्टैंड का डेवलपमेंट काम चालू हो रहा है वहाँ पे, तो उन बसों को शिफ्ट करने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ कर रहे थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब वहाँ पे हमको थोड़ी जगह छोड़ के हमारी बस वहीं से संचालित हो, तो जब निर्माण कार्य आगे आ जाएगा तो फिर यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी बेरसिया बस स्टैंड पे, उनको इधर शिफ्ट कर देंगे। फिर जब तक इन लोगों का इंतजाम नहीं हुआ, उससे पहले वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है? नहीं, तो इनकी बस तो सामने है, इनकी बस सामने है, पीछे तो ओपन पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। काफ़ी जगह वहाँ पे जो है अभी शेड लगा के घेर ली गई है, वहाँ जगह बस कोई मोड़ना भी चाहेगा तो वहाँ से मुड़ेगी नहीं। हाँ, तो इनकी बस स्थिति में अभी वो बेरसिया बस स्टैंड पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए तो उसको विकास कार्य कर रहे हैं, इसलिए तो डेवलप कर रहे हैं कि बाद की हम जितनी भी समस्या उसका निराकरण हो जाए। हम आपको बता दें कि रोजाना पुतली घर बेरसिया बस स्टैंड से 30,000 से 40,000 लोग यात्रा करते हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों सहित उत्तर प्रदेश भी ये बसें जाती हैं। यहां से करीब 135 बसों का संचालन रोज होता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।